नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं पल्लवी शर्मा, आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शिवालिक इंडस्ट्रीज, बेस्ट क्वालिटी एप्पल ट्रीज। हिमाचली अफसरों ने जीती दिल्ली, राष्ट्रपति पुलिस पदक से स्वतंत्रता दिवस पर होंगे सम्मानित, सीएम ने दी बधाई। कुल्लू अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, अन्य मरीज तेगुबेहड़ अस्पताल किए शिफ्ट। ट्रक की चपेट में आने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत, बाइक से जा रहा था घर। लोगों ने रंगे हाथ पकड़ पुलिस के हवाले किए 3 डीजल चोर, पहले भी कई मामलों में हैं आरोपित। शीघ्र तैयार होगा डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज का भवन, स्वास्थ्य मंत्री बोले सिरमौर जिला के लिए बड़ी उपलब्धि। जयसिंहपुर में 2 पॉजिटिव मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लिए 62 लोगों के सैंपल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश पुलिस विभाग के आईजीपी पुनीता भारद्वाज, डीआईजी संतोष पटियाल एवं सुनील कुमार और सीआईडी सब इंस्पेक्टर उमा दत्ता को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक के लिए चयनित होने पर बधाई दी है। दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पुनीता भारद्वाज को पीपीएमडीएस पदक जबकि संतोष पटियाल, सुनील कुमार और उमा दत्ता को पीएमएमएस पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में शुक्रवार को गायनी वार्ड में भर्ती बंजार इलाके की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुल्लू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीना लाल ने बताया कि बंजार इलाके की एक महिला सप्ताह भर से अस्पताल में भर्ती थी, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती अन्य महिलाओं को तेगुबेहड़ अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि पॉजिटिव आई महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल नैरचौक भेज दिया गया है। गायनी वार्ड को खाली कर उसे सील किया जा रहा है, जबकि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी करवाई जा रही है। इसके साथ गायनी वार्ड में तैनात स्वास्थ्य कर्मी व चिकित्सकों को भी आइसोलेट करने की प्रक्रिया चली हुई है। डॉक्टर नीला लाल ने बताया लोगों से आग्रह किया है कि वह सरकार द्वारा दिशा निर्देशों की पालना गंभीरता से करें। कांगड़ा के पुलिस थाना डमटाल के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 48 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल रांची मोड़ पर हुई। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति गांव से वापस घर की तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था कि तभी पठानकोट की तरफ से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया और ट्रैफिक प्रभारी कुलभूषण गुलेरिया अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य जुटाए। मामले के संदर्भ में एएसपी दिनेश कुमार ने बताया मृतक व्यक्ति की पहचान गरीबदास पुत्र करतारचंद गांव व डाकघर मोहटली तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर भेज दिया है। मोटरसाइकिल व ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पांवटा साहिब में तारूवाला स्थित ट्रक यूनियन में 3 डीजल चोर आरोपियों को वहां मौजूद लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक 3 आरोपी डीजल चोरी करते हुए पकड़े गए। यह आरोपी ददाहू वायला बिरला के बताए जा रहे हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नारंग ने बताया कि 3 लोगों को यूनियन में डीजल चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। वहीं अब सामने आ रहा है कि यह पहले भी कई ऐसे मामलों में पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन के चालक परिचालक काफी गुस्से में थे, किसी तरह इन्हें उनसे बचाया गया। डीजल चोरी करने पहुंचे आरोपियों ने घूमने के लिए बकायदा एक बोलेरो गाड़ी रखी हुई है। लोगों ने उनकी गाड़ी से डीजल और वह सामान भी बरामद किया, जिससे वह गाड़ियों से डीजल टैंक को खोलकर डीजल पर अपना हाथ साफ कर देते हैं। वहीं थाना प्रभारी संजय शर्मा ने इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि लोगों की सूचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी गयी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल शुक्रवार को अपने 2 दिन के प्रवास पर जिला मुख्यालय नाहन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज का भवन शीघ्र बनकर तैयार होगा। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सहित सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी व मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का स्टाफ मौजूद रहा। राजीव सहजल ने कहा मेडिकल कॉलेज सिरमौर जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो।
ताकि लोग यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज का जल्द निर्माण पूरा होने से यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे MBBS के छात्रों को भी सुविधा मिलेगी। बता दें स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर राजीव सहजल पहली बार सिरमौर जिला के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने स्वास्थ्य मंत्री का नाहन पधारने पर स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। बता दें स्वास्थ्य मंत्री जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर शुक्रवार को नाहन पहुंचे हैं। 15 अगस्त को वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जहां पर वह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और जिलावासियों को अपना संदेश देंगे। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत भाटीवारिट गांव में कोरोना पॉजिटिव के दो मामले सामने आने के बाद यहां बनाए गए कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो व्यक्तियों के करीबी संपर्क में आए 62 लोगों के सैंपल लिए। गौरतलब है कि जलेट गांव के भाटी गांव के वार्ड नंबर 2 में लद्दाख से लौटा सेना का जवान पॉजिटिव पाया गया था, तो रिट पंचायत के वार्ड नंबर 4 अपने परिजन के देहांत पर लौटा व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। दोनों ही मामलों में होम क्वारंटीन के उल्लंघन पर प्रशासन ने दोनों ही जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया था, जिसके बाद लंबागांव अस्पताल की टीम ने भाटी गांव में जाकर जवान के करीबी संपर्क में आए 32 लोगों के सैंपल लिए थे, जबकि शुक्रवार को रेड पंचायत के कंटेनमेंट जोन में वार्ड नंबर 4 में 30 लोगों के सैंपल लिए गए जो कोरोना पॉजिटिव रहे व्यक्ति के संपर्क में आए थे। लंबागांव अस्पताल के MO डॉक्टर मुनीश राणा ने बताया कि सभी सैंपल टेस्टिंग के लिए IHBT लैब पालमपुर भेजे गए हैं।